लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। आईपीएल 11वें में अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयर डेविल्स की स्थिति एक सी चल रही है। दोनों के खाते में चार मैचों में एक जीत ही दर्ज है। पिछले मैच में आरसीबी को मुंबई इंडियंस और दिल्ली को केकेआर ने पराजित किया था। विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी ने केकेआर के खिलाफ हार से शुरुआत की थी, लेकिन अपने घरेलू मैदान में पंजाब को पराजित किया। उसके बाद राजस्थान और मुंबई के खिलाफ शिकस्त मिली। आरसीबी को अपने गेंदबाज आक्रमण को पैना करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले दो मैचों में टीम ने 200 से ज्यादा रन दिए हैं। वहीं युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की स्पिनर जोड़ी ने काफी रन खर्च किए हैं। दिल्ली के खिलाफ भी उनका काम आसान नहीं होगा, क्योंकि डेयर डेविल्स में जेसन राय, गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, शेयर्स अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं। आरसीबी का हौसला इस बात से जरूर बढ़ा होगा कि कप्तान विराट कोहली ने लय पा ली है, जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ 57 और मुंबई के खिलाफ नाबाद 92 रन की पारी खेली है। इसके अलावा टीम में दक्षिण अफ्रीका एबी डिविलियर्स ने, जिन्होंने अभी तक 122 रन बनाए हैं। ब्रेडन मैकुलम, जिन्होंने 3 मैचों में कुल 47 रन बनाए हैं, उनकी जगह इंग्लैंड में मोइन अली को मौका मिल सकता है। मोइन ऑफ स्पिनर के रूप में दोहरी भूमिका भी निभा सकते हैं। उधर गौतम गंभीर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम के बल्लेबाजों में जेसन रॉय मुंबई के खिलाफ नाबाद 91 रन की पारी खेल चुके हैं। ऋषभ पंत भी अभी तक 138 रन बना चुके हैं, जिनमें 47 सर्वाधिक स्कोर हैं।